हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। जो स्टार्टिंग वीडियोस थे, लेंथ वाइज हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली थी, एरिया वाइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी लास्ट वीडियो में हमने करी थी। तो प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, पूरे डिटेल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आज का जो वीडियो बेस्ड है वो न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया आज भी हम यही डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में फॉर्मूला पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड्स एन एंगल 2α एट द सेंटर, हैंस फाइंड द सेकेंड पार्ट बाद में देखते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट पर फोकस करते हैं। हमको एक सर्कुलर आर्क लेनी है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, एक सर्कुलर आर्क हमको लेनी है और ये आर्क जो है सेंटर पे, इसका जो सेंटर ओ है इस पे टोटल एंगल जो बन रहा है वो एंगल है 2α। इट मींस दिस एंगल विल बी अल्फा एंड दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। हमने एक ऐसा सर्कुलर आर्क ले ली जिसका सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है 2α, ये दिया हुआ है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी हम। ये पॉइंट हमने ले लिया ए और ये पॉइंट बी, इतने पोर्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है, सिर्फ पूरे की नहीं निकालनी है, उतने पोर्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो वाई डी एक्स, एरिया जो हम डी एक्स यूज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है। यहां से यहां तक की लेंथ ये मान लेते हैं कि इस सर्कल की जो रेडियस है तो वो रेडियस है ए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि सर्कल अगर इसको पूरा बनाएंगे तो सर्कल बनेगा जिसका सेंटर जीरो जीरो है और रेडियस कितनी है ए है। तो ये लेंथ ए हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर लेंथ क्या होती है साइन के कोऑर्डिनेट्स में आती है, तो ए साइन अल्फा ये हो जाएगा और ए कॉस अल्फा ये वाली लेंथ है, तो ये ए साइन अल्फा है तो इसका मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका ए साइन अल्फा ए पॉइंट का, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा। और ये टोटल लेंथ क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉमा जीरो। अगर हम एक्स की लिमिट लेंगे तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए कॉस अल्फा से लेकर के कहाँ तक जा रहा है ए तक, तो ये तो क्लियर है। अब आप देखिए जितना हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है वो एरिया किस एक्सिस से लगा हुआ है, एक्स एक्सिस से, तो पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्री पार्ट हम लेंगे इसमें, ये एलिमेंट्री पार्ट जो है वो किसके पैरेलल आ रहा है एक्स के, पी क्यू सॉरी वाई के पैरेलल है, और ये लेंथ हमने ले ली डेल एक्स। तो हमने जो जो फॉर्मूला हमने देखा था उसमें हमने एलिमेंट्री पार्ट का पहले सेंटर देखा था, यानी कि इस एलिमेंट्री पार्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो बीच में यहां कहीं होगी। अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है तो ये पूरा जो जिसकी एरिया की हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, जिस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी उतना ही है और एक्सिस के नीचे भी उतना ही है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी होती है तो सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसके सेंटर पर होती है, तो इस पूरे एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में इस लाइन में ही कहीं ना कहीं पर आएगी। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो होता है, इट मीन्स इसका वाई बार जो आएगा वो जीरो आएगा। अब हमको सिर्फ एक्स बार निकालना है। वाई बार जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन में कहीं होगी और इस लाइन में कहीं पे भी वो हो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इट मींस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट अब हमको निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम देखते हैं फॉर्मूला, एक्स बार क्या हो जाएगा एक्स, अगर हम y dx की बात करें तो dx और नीचे भी क्या था, नीचे y dx, अब ये y dx को लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां पे ds आ रहा था और ds का मतलब क्या है, सॉरी da आ रहा था एरिया, और da का मतलब क्या है y dx, तो ये da की जगह पे मैंने आपको डिटेल में पहले बताया होगा कि हम किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो वाई डी एक्स एक्चुअल में जो आएगा, पहले हम इस एलिमेंट्री पार्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें
उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जनरलाइज करके हम इस पूरे एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे थे। तो लिमिट एक्स की कहाँ से कहाँ जा रही है, ए कॉस अल्फा से ए, और ए कॉस अल्फा से ए यहाँ भी हो गया। वाई की वैल्यू हमको इक्वेशन से यहाँ से रखनी है, तो ये हो गया ए कॉस अल्फा से ए, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ए कॉस अल्फा से ए। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर वाला जो पार्ट है इसमें हम माइनस टू से मल्टीप्लाई और माइनस टू से डिवाइड भी कर लेते हैं। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि अगर हम इसको टी मानते हैं पूरे को तो ये पूरा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। और रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 1/2 + 1, यानी कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट क्या है, ए कॉस अल्फा से ए, और बाहर से क्या है, -1/2, और इसमें क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, क्या होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सेकेंड टर्म इसका आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट क्या हो गई, ए कॉस अल्फा से ए। सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको इतने पोर्शन के निकालनी है, आप ये मत समझिए कि हमको इतने पोर्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। और इसमें हमने देखा एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए कॉस अल्फा से ए। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, और लिमिट अप्लाई करना इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। हायर लिमिट लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, और लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, और 2 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1/3, और इसमें भी लिमिट लगाएंगे तो हायर लिमिट में 0, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, माइनस लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए कॉस अल्फा अपॉन ए। ये हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब मैं इसका आगे का जो पूरा सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन ना लिख करके डायरेक्टली इसका एक्स बार जो आंसर आ रहा है वो लिख दे रहा हूँ। आंसर इसका आ रहा है 2/3 ए साइन क्यूब अल्फा, ए साइन क्यूब अल्फा अपॉन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफिकेशन आप करिए, और सिंप्लीफाई करके आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है कुछ फॉर्मूले इसमें लग जाएं, साइन अल्फा या साइन 90 - थीटा, वो फॉर्मूले आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई बार तो 0 आ रहा था, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अगर हम बात करें दूसरा पार्ट, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क विच इज ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। इसमें क्या चेंज आ रहा है आपको, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी निकालनी है इस क्वाड्रेंट की, बाकी डायग्राम ये रहेगा, और डायग्राम ये रहेगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, लिमिट में क्या चेंज आएगा, अल्फा अल्फा कितना होगा, सेकेंड पार्ट में बताने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें तो अल्फा जो है 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 90, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और अल्फा की जगह पे हम 90 यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि सॉरी एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसी डायग्राम को मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, ये जो डायग्राम है वो इतना पोर्शन है, इसको हमको ऊपर ले जाना है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पूरा एंगल हमने 2α लिया था, ये पूरा 2α था, तो 2α यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और अल्फा की बात करें तो अल्फा कितना हो गया, 45। तो उस केस में जब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा की जगह पे आपको 45 रख देना है। एक्स बार इक्वल टू 2/3 ए साइन क्यूब π/4 अपॉन
पाई बाय फोर माइनस साइन पाई बाय फोर एंड कॉस पाई बाय फोर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी जब क्वाड्रेंट आप लोगे। और क्वाड्रेंट के केस में अगर आप इसी डायग्राम को, जरूरी नहीं है आप इसको ऊपर लेकर के जाएं, इसी डायग्राम को देखिए आप, आपको अलग से डायग्राम फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये वाला ही डायग्राम, इसको भी हम क्वाड्रेंट कह सकते हैं। कब? जब पूरा ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, और उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा 45। तो मैं इस क्वाड्रेंट को ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन हम ले रहे हैं इसी को क्वाड्रेंट मान लेते हैं। उस केस में टू अल्फा जो है वो 90 डिग्री का काम करेगा और अल्फा 45। और अगर हम डायग्राम ये ले रहे हैं तो वाई बार भी यहाँ पे कितना होगा, इसको साइन पाई बाई फोर 1/√2 होता, कॉस पाई बाई फोर भी 1/√2 होता, वैल्यू रख लीजिए। वाई बार अभी भी कितना आएगा, 0 आएगा अगर आप यही डायग्राम लेते हैं तो, क्योंकि इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी इसी लाइन में लाई करेगी, और इसी लाइन में लाई करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। कहीं पे कोई डाउट आपको लगता है इस सॉल्यूशन में तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के, वहाँ आपका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। देखिए अगला जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आपको कर्व दिया हुआ है और इसका एसिम्प्टोट, उसके बीच में जो एरिया बनेगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। इस कर्व को बनाने के लिए आपको ट्रेसिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इसके डिटेल सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ मैं, सीधे इसका डायग्राम फॉर्म कर रहा हूँ। डायग्राम देखिए आप, इसका अगर हम एजिम्प्टोट की बात करें तो इसका एजिम्प्टोट जो बनता है वो है एक्स इक्वल टू 2a, ये इसका एजिम्प्टोट फॉर्म होता है। और इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको इस पूरे एरिया की निकालनी है। और अगर इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालने के लिए बोला जाए तो हमको जो एलिमेंट्री पार्ट लेना पड़ेगा वो फिर से ऐसे लेना पड़ेगा, पी क्यू एम एन। और इस केस में क्योंकि जितना एक्स के ऊपर है उतना एक्स के नीचे भी है, तो जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल है, तो इसका वाई बार जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो वाई बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई बार तो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है इसमें, 0 से 2a, 0 से 2a, तो 0 to 2a। एक्स वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स की पावर 3/2 अपॉन √2a-x dx, और ये भी हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 √2a-x dx। अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और देखिए इंटीग्रेशन में जो आपको ये करना है, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पे या तो हमको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 2a sin² थीटा, ये हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें। तो dx कितना हो गया, 2a यानी कि 4a sin θ cos θ d θ, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर लीजिए आप। तो लिमिट में क्या चेंज आएगा, जब हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और 2a रखेंगे तो 90, 0 से π/2। एक्स की पावर कितनी हो गई, 3/2 और 1 5/2, यानी कि 2a sin² थीटा की पावर 5/2 अपॉन 2a-x की जगह पे 2a sin² थीटा, और dx की जगह पे आ गया 4a sin θ cos θ d θ अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, 0 से π/2, एक्स की पावर 3/2 मीन्स 2a sin² थीटा की पावर 3/2 अपॉन 2a-2a sin² थीटा, और dx की जगह पे आ गया 4a sin θ cos θ d θ। तो ये बन जाएगा 2a की पावर 5/2 इंटू 4a अपॉन 2a की पावर 3/2, इसको बाहर कर लिया हमने, 0 to π/2। साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 5, और एक पावर ये है साइन की पावर 6 थीटा कॉस थीटा,
ये देखिए आप, 2a जो है बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, तो रूट 2a और रूट 2a दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अपॉन 0 to π/2। ये हमने 2a की पावर पहले ले ली है, ये 2a बाहर आकर के कैंसिल हो गया था, तो ये कितना हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और ये जो 4a है ये 4a भी कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे। तो एट लास्ट हमको इंटीग्रेशन में क्या मिल रहा है, 2a की पावर 3/2, 5/2 - 3/2 कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, 2a साइन की पावर 6 थीटा, बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, 6 + 1/2 γ, 0 + 1/2 γ अपॉन 2 6 + 0 + 2/2 γ अपॉन 1 + 1/2 γ, 0 + 1/2 γ और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 1 + 0 + 2/2। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बीटा गामा फंक्शन काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई न करके मैं सीधे यहाँ पे आंसर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 5a/3, और वाई बार जो ऑलरेडी है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये एक्स बार और वाई बार की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी इस प्लेन एरिया की। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व करें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।